हावड़ा जंक्शन और हावड़ा ब्रिज दोस्तों जितना फेमस है कोलकाता सिटी में, इतना ही फेमस है यहाँ की नाइट लाइफ पर्क स्ट्रीट, और उससे भी ज़्यादा फेमस है साइंस सिटी। 65 रुपये का टिकट लेकर आप साइंस सिटी घूम सकते हैं। द ग्रेट बनियान ट्री बहुत ही पुराने पेड़ हैं बोटानिकल गार्डन में, और बोटानिकल गार्डन इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये प्लास्टिक फ्री है। इस गार्डन में आप प्लास्टिक की कोई भी चीज़ लेकर एंटर नहीं कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे गार्डन हैं कोलकाता में, कुछ पे हैं और कुछ फ्री में हैं। यहाँ जो कपल्स हैं वो आकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं भले आप किराए पे रहते हैं या आपका खुद का मकान हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड या किसी फ्रेंड को घर पे लाना मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बहुत सारे जो कपल्स हैं वो अक्सर ऐसे पार्क्स में जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो कौन कौन से पार्क पे पार्क हैं जहां टिकट लगती है, और कौन कौन से पार्क फ्री हैं जहां कपल्स अक्सर जाते हैं कोलकाता में, उन पार्क्स की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम यहां से मेट्रो लेकर आज जा रहे हैं नेचर पार्क। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में सबसे पहले जब मेट्रो आई थी तो कोलकाता सिटी में ही आई थी, और ये हम आ चुके हैं नेचर पार्क। और यहां टिकट लेनी पड़ती है आपको, 25 रुपये की पर हेड टिकट यहां पे लगती है दोस्तों। तो टिकट लेकर एंटर करते हैं नेचर पार्क के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कपल्स मिलेंगे एंजॉय करते हुए, और ये पार्क फेमस ही जो है वो कपल्स के लिए है। और ये कैंटीन है पार्क के बीच में, और यहाँ बहुत ही सस्ता और बढ़िया स्वादिष्ट खाना आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पे लंच कर सकते हैं, और लंच करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो कैसा हो चुका है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे बच्चों को लेकर ना ही आए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी जो ये हरकतें हैं वो हर कॉर्नर पे, हर पेड़ और हर जगह पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। आप अभी देखेंगे तो आपको जगह जगह पर कॉर्नर पर पेड़ों के आजू बाजू सब कॉर्नर पर बैठे हुए मिलेंगे कपल्स। और बहुत बड़ा पार्क है ये दोस्तों, काफ़ी समय लग जाता है अगर आप पूरा पार्क घूमने जाते हैं तो। बस ये जो आप देख सकते हैं यही एक फैमिली के साथ अगर जो आ रहे हैं लोग उनके लिए प्रॉब्लम है। और अगर आप कपल्स हैं, आपके पास कोई ऐसा जगह नहीं है एंटरटेनमेंट के मिलने के लिए, तो भी आप पार्क्स में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो पार्क हैं पे पार्क हैं इनमें जो लोकल्स हैं वो ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि डेली की 25 रुपये की टिकट लेकर कोई वॉक करने के लिए पार्क में नहीं जाता है। तो पैसे वही खर्चेगा जैसे यहाँ आकर पैसे वसूल करने हैं, और पैसे कैसे वसूल करने हैं आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अखबारें यहाँ पे है ना, ये पुरानी अखबारें भी दोस्तों यहाँ पे बिकती हैं, और नई अखबार से ज़्यादा महंगी बिकती हैं ये पुरानी अखबारें, क्योंकि ये नीचे बिछाकर बैठने के काम आती हैं, और ये समझ लीजिए कि एक चद्दर का काम करती हैं। और ये जो जितने कपल्स हैं ये यहाँ गंद भी बहुत डाल के जाते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप ये जो पुरानी अखबारें हैं ये इस्तेमाल तो कर ली हैं लेकिन उठाई किसी ने भी नहीं है, वहाँ की वहाँ पड़ी है। और ऐसे ही जब हवा चलेगी तेज तो ये उड़कर पानी में भी जाएंगी और प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। देख सकते हैं ये सब जो पॉलीथीन है यहाँ अखबार वगैरह हैं, जहाँ बैठे थे वहीं छोड़कर अपना काम करके जा चुके हैं बहुत सारे कपल्स, और वो गंदगी वहाँ की वहाँ वैसे ही पड़ी है, उसे साफ़ करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि टिकट ली है आपने, पैसे खर्चे हैं
तो सब यही सोचते हैं कि उनका हक है, वो गंदगी डाल के यहाँ जा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। आप इंजॉय कीजिए, घूमिए, लेकिन साथ साथ सफाई का ध्यान भी रखें, क्योंकि दोबारा भी आकर आपको जगह लेनी है बैठने के लिए, तो सफाई रहेगी तो दोबारा भी आप आकर वहीं पे बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है, कितना प्यारा वेदर भी है आज, और ये लेक देखिए, लेक के किनारे ये वॉक करने के लिए बना हुआ है वैसे तो नगर निगम की तरफ से, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि वॉक कम हो रही है, लेकिन यहाँ बैठकर बातें हैं कुछ ज़्यादा हो रही हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि फुल पैसा वसूल पार्क हैं ये सब, तो कोई भी ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहाँ पर ये लोग बैठे हुए नहीं मिलेंगे। और देख सकते हैं नदिया किनारे, मतलब सब इंजॉय कर रहे हैं सिटी से बाहर, और सिटी के अंदर जो पार्क हैं वहाँ पे भी। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देकर जाइएगा कि ऐसे पार्क्स में आप फैमिली के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, मतलब ऐसी कोई जगह खाली नहीं है यहाँ पार्क में। दीवारें जो हैं, दीवारों के साथ भी ये लोग सट कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बच्चों और फैमिली के साथ क्या यहाँ पे कोई आ सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कलकत्ता में बहुत सारी नदियाँ हैं, और यहाँ पे आप स्टीमर का मज़ा लेना चाहते हैं, स्टीमर में सैर करना चाहते हैं, तो बहुत ही सस्ता है, आप 10 या 20 रुपए में स्टीमर की सैर कर सकते हैं, स्टीमर की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ का मसाला डोसा, सी फूड, स्ट्रीट फूड बहुत ही फेमस है, और रसगुल्ला, रसगुल्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा। कोलकाता जाकर अगर रसगुल्ला नहीं खाया तो समझ लीजिए आपका जो टूर है वो कंप्लीट नहीं है।